जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव। आज हम आपको दिखाएंगे हम लोग गांव में माँ दुर्गा का पूजा। तो हम लोग गांव में माँ दुर्गा का पूजा महाअष्टमी के दिन से शुरू होता है और हम लोग गांव में माँ दुर्गा का पूजा कलश पूजा होता है। तो हम लोग गांव में किस तरह से माँ दुर्गा का पूजा कलश पूजा से शुरू होता है ये हम आपको दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। ये जो दो आदमी देख रहे हैं माँ दुर्गा मंदिर में पेंट कर रहे हैं, ये हम ही लोग के गाँव के हैं और पिछले कई सालों से पेंट करते आ रहे हैं और आशा करते हैं आगे भी पेंट करते रहेंगे। शुरू करते हैं यहीं से। अभी मेरे बाबा भगवान जी को धूप दिखा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। गांव का ब्रह्मत्तर का माँ दुर्गा मंदिर और यहीं पर कलश पूजा किस तरह से माँ दुर्गा का पूजा होता है, कलश पूजा ये भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखिए हम लोग का कुल देवता श्री नारायण नाड़गोपाल भगवान जी यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर पूजा भी होगा माँ बाबा नारायण नाड़गोपाल भगवान का। और यहाँ पर किस तरह से माहौल रहेगा पूजा का समय ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए। बारी लाने के लिए उसके बाद कैसे होता है माँ दुर्गा पूजा ये भी आपको दिखाते हैं। कंटिन्यू रहिए।
तालाब से कलश में पानी ले चुके हैं और अभी जा रहा है हम लोग माँ दुर्गा मंदिर, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। अभी हम लोग तालाब से आ चुके हैं माँ दुर्गा मंदिर और यहाँ का माहौल देख रहे किस तरह का है, और भी आपको हम रोज से दिखाते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। आप दिखाते हैं फिर है मेरे बहन है ना, तो बात यह है कि अब हम आपको दिखाएंगे पूजा माँ दुर्गा का, कंटिन्यू रहिए। यहाँ पर मेरे दोनों बहन भगिना को लेके फोटो खिंचा रहा है।
अभी हो रहा श्री नारायण नाड़ू गोपाल भगवान का पूजा, फिर होगा माँ दुर्गा का पूजा, तो कंटिन्यू रहिए।
पूजा खत्म होने के बाद पुष्पांजलि का समय हो चुका है और इतना बड़ा तो मंदिर है नहीं, आप लोग तो देखे हैं। तो ग्रुप में थोड़ा थोड़ा बैठा रहा है, 8-10-5 करके ऐसे ग्रुप बना रहा है, 5-10 ऐसे ही, उसके बाद पुष्पांजलि दिलवा रहा है। नम स्वस्तीन्द्र विद्धसभा स्वस्ति पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्ताति वरिष्ठ नेमी स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु नम स्वस्ति नम स्वस्ति नम स्वस्ति नम महिषग्नि महामाये चामुंडे मुन्नमालिनी आवरारोग्य विजय देवी देहि देवी नमस्ते येश मित्रपत्रांजलि नम दुर्गा देवी सपरिवाराय नम। अष्टमी का पूजा होने के बाद यहाँ पर जूड़ी का प्रसादी दिया जाता है। तो अष्टमी का पूजा ख़त्म हो चुका और जिसको जिसको पुष्पांजलि देना था दे चुका और अब हम मामा घर निकलेंगे। तो बात यह है कि आज मेरे बाबा के साथ 20 से 21 साल बाद हम माँ दुर्गा का पूजा देख रहे हैं अपना गांव में और बहुत ही आनंद लग रहा है। और बात यह है कि हम 9वीं-10वीं का पूजा हम लोग गाँव में दिखा नहीं पाएंगे, तो जिस साल हम रहेंगे अपना घर में मतलब दुर्गा पूजा का समय, अभी तो मामा घर चल जाएंगे इसलिए दिखा नहीं पाएंगे 9वीं-10वीं का पूजा, तो जिस साल हम घर में रहेंगे माँ दुर्गा पूजा का समय तो सब हम आपको दिखाएंगे, अष्टमी में क्या हो रहा है, दसवीं नवमी में क्या हो रहा है, दसवीं में क्या हो रहा है, सब दिखाएंगे आपको। तो हम लोग गाँव में माँ दुर्गा पूजा किस तरह से हुआ आप लोग को दिखाएँ, हम लोग गाँव में जो कलश स्थापना हुआ वो भी हम आपको दिखाएँ। माँ दुर्गा पूजा में हम लोग का गाँव में कलश स्थापना से ही पूजा होता है माँ दुर्गा का। तो बात यह है कि सब कुछ दिखाएं और बात है आज अष्टमी है और कल 9वीं-10वीं, तो 9वीं-10वीं में हम रहते नहीं हैं, हम चल जाते मामा घर। तो जिस साल हम घर में रहेंगे अपना घर में तो उस साल हम आपको अष्टमी 9वीं-10वीं का पूरा फुल डिटेल्स दिखाएंगे कि क्या क्या होता है हम लोग गाँव में माँ दुर्गा पूजा में। तो अभी हम इतना में एंड करते हैं और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।